तो दोस्तों अभी हम विसनगर के तिरुपति नेचुरल पार्क में पहुंच चुके हैं और ये गांधी जी के तीन बंदर, बुरा मत बोलो बुरा मत। और दोस्तों देखिए ये ईगल फ्लाइंग जो था वो स्टार्ट हो चुका है राइड। तो देखिए दोस्तों अभी ये ऐसे राइड करनी है इस पर। देखिए दोस्तों ये आपको दिखेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं दोहित अंसारी, ATS चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम चल रहे हैं विसनगर के तिरुपति नेचुरल पार्क में और पूरा तिरुपति नेचुरल पार्क आज हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या देखने जैसी चीज़ें हैं। तो आइए दोस्तों निकलते हैं तिरुपति नेचुरल पार्क के लिए और मिलते हैं सीधा तिरुपति नेचुरल पार्क पे। तो दोस्तों अभी हम विसनगर के तिरुपति नेचुरल पार्क में पहुँच चुके हैं और ये उसका मेन गेट है और यहाँ से अभी हम बाइक लेके अपनी MT लेके अंदर जाएंगे और पार्क करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है तिरुपति नेचुरल पार्क में। तो आइए दोस्तों चलते हैं अंदर। दोस्तों ये तिरुपति नेचुरल पार्क का पार्किंग है और हमने MT यहाँ पार्क कर दी और यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाता चलूँ एक एक चीज़। तो हर जगह आपको ऐसे साइन बोर्ड दिखेंगे और ये मैंने आपको गेट दिखाया था यहाँ से एंटर हुए थे तो आप देख लीजिए और यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों ये भालू का स्टैचू बनाया गया है और इसका एंट्री टिकट दोस्तों 60 रुपये और 10 रुपये का बाइक का पार्किंग का है। और देखो ये खाने की होटल है यहाँ पे, तो पंजाबी, काठियावाड़ी, गुजराती, चाइनीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अभी और आगे और देखते हैं कैसे है, पहले समझ लेते हैं। वाटर पार्क है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको दिख रहा होगा। देखिए तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वाटर पार्क में अवेलेबल है, तिरुपति नेचुरल पार्क देख पा रहे होंगे। और ये यहाँ की वेबसाइट है और ये फ़ोन नंबर वगैरह आप देख सकते हो। तो चलते हैं अभी आगे और देखते हैं। ये बच्चे कहीं से आए हैं स्कूल की तरफ से और सामने आपको लेडीज़ जेंट्स टॉयलेट मिल जाएगा और फिर यहाँ से लगेज रूम। लगेज में अगर आपको कुछ लगेज लेके आए और रखना है तो 10 रुपये उसके लगेंगे। तो देखिए ये सब, चलते हैं आगे। और देखिए दोस्तों ये वाटर फीस राइड 20 रुपये, नानी कोलंबस 20 रुपये, सारा कुछ यहाँ पे लगाया गया किसका कितना चार्ज है। और ये गांधी जी के तीन बंदर, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। तो ये यहाँ पे स्टैचू लगाए गए। चलते हैं अभी और आगे, देखते हैं क्या है। यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं स्कूल की तरफ से और यहाँ पे एक और बोर्ड लगाया है कि कौन सी राइड के कितने पैसे हैं, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये ईगल राइड 40 रुपये, लैम्बो, ब्रेक डांस, सारे मतलब यहाँ पे चार्जेस लिखे गए हैं कि हर चीज़ का अलग अलग चार्ज है। तो पहले देख लेते हैं पूरा एक बार, फिर ऐसा होगा तो एक दो राइड अपने करेंगे। और ये बच्चे आए हैं स्कूल की तरफ से, दौड़ धूप कर रहे हैं। चलते हैं आगे। और ये गार्डन है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। चलते हैं अभी यहाँ सुपर फन एंजूमेंट पार्क में और नवीर राइड्स नो खजानो, मतलब अलग अलग राइड्स का खजाना है ये। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे राइड्स और कैसे हैं। टिकट विंडो है और शैलो बोटिंग है कुछ। तो यहाँ पे ये आपको बोटिंग दिखेगी अगर आपको बोट राइडिंग करनी है तो। देखिए दोस्तों और चलते हैं अभी आगे।
देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये दिखा देते हैं। गो कार्टिंग करके कुछ है, दो राउंड के 50 रुपये हैं। और ये देखिए दोस्तों, वाटर फिश सिर्फ बच्चों के लिए है और 20 रुपये इसका टिकट है। और ये आपको बड़ा वाला राइड दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए काफ़ी बड़ी राइड है। बस स्टार्ट होती है तो देखते हैं कैसी चलती है। ईगल फ्लाइंग 40 रुपीज टिकट है इसकी। आगे ये एक और राइड है आपको अगर दिख रही हो, इसका नाम अभी दिख नहीं रहा है। और ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों, देखिए काफ़ी अच्छी एंजॉय वाली चीज़ है। डर्ट बाइक करके है, 70 रुपये उसका प्राइस है। और गो कार्टिंग और ये जो हो रहा है स्लाम्बो, इसका 40 रुपये टिकट है दोस्तों, देखिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलते हैं अभी दूसरी, देखिए ये ईगल फ्लाइंग जो था वो स्टार्ट हो चुका है राइड, देखिए काफ़ी एंजॉय वाली राइड है। देखिए दोस्तों तो अपने बीच में एक बार राइड करके देखेंगे कैसा है, क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ईगल फ्लाइंग चलते हैं अभी और आगे देखते हैं कुछ और क्या है यहाँ पे। और आगे की ओर चलते हैं, और यहाँ पे ये एक और कुछ है आपको दिख रहा होगा, ये भी बंद है। और सामने एक छोटे बच्चों के लिए राइड है, कोलंबस करके जो राइड है आपको दिख रही होगी, देखिए दोस्तों ये वाली, बट आई थिंक वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है। और टिकट इसका 20 रुपये है आपको दिख रहा होगा, देखिए दोस्तों सारी। तो चलते हैं अभी दूसरी साइड और देखते हैं क्या है यहाँ पे आगे, और फिर इसमें से राइड करेंगे आगे। ये रोप वे देखने जा रहे हैं तो देखते हैं कैसा है रोप वे और क्या है यहाँ पे, देखते हैं। देखिए और यहाँ 50 रुपीज टिकट है। देखिए दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये गार्डन है यहाँ पे और ये रोप पे है, देखिए ऐसे यहाँ पे लटक के जाना है और वहाँ तक आपको लेके जाएगा ये। देखिए दोस्तों अभी ये ऐसे राइड करनी है इस पर, तो हम भी एक बार ट्राई करेंगे ऐसे राइड करके और ये आपको सामने वहाँ तक लेके जाएगा। तो चलते हैं अभी आगे और देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों अभी हम ये रोप वे में जा रहे हैं, देखिए ऐसे पहनना है ऐसा, उठा लो दो हाथ से आओ चलो चलो अभी ऊपर चल रहे हैं और वहाँ से फिर जाएंगे। वायर को बदलिए, ऊपर चढ़ जाओ, पीछे स्टैंड पे खड़े रहो,
ओके मधुरी पकड़ लो आगे वाली, यहाँ नीचे जाओ, आराम से बैठ जाओ, मधुरी को मत दिए बस। देखिए दोस्तों वापस अभी चलो और ये भाई हमने स्पीड कर देंगे ऊपर आ जाए और चलते हैं वापस। लैंड करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और मैं लगे प्यार वापस चले देते हैं। तो दोस्तों हम अभी वापस आ गए, वहाँ से गए वहाँ सामने और वापस। यही था वो रोप वे जो काफ़ी मज़ा आया। बैग ले लेते हैं अपनी यहाँ से। और ये लोग बोटिंग वगैरह कर रहे हैं, देखिए दोस्तों। और तो चलते हैं अभी और आगे। और ये सागर बोटिंग करके हैं यहाँ पे, इसका 30 रुपीज़ टिकट है और कपल के साथ में 80 रुपीज़ है। अगर आप कपल में हैं तो 80 रुपीज़ और सिंगल अगर हैं तो 30 रुपीज़। चलते हैं देख लेते हैं एक बार कैसा है यहाँ पे। देखिए ये बोटिंग चल रही है और लोग यहाँ बोटिंग कर रहे हैं, देखिए दोस्तों। और उसके ऊपर ये रोप वे चल रही है, आपको दिख रही होगी। चलते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है। दोस्तों देखिए ये जिनका स्टैचू लगाया हुआ है और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी आपको अवेलेबल है। काफ़ी अच्छा है, बच्चों को लेके आने जैसा है, घूम सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह है, सारी राइड्स है। और सबसे बड़ी बात है कि सारी राइड्स मतलब सस्ती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है, मतलब एकदम रिजनेबल प्राइस है यहाँ पे दोस्तों हर राइड के। ये नहीं कि ओवर प्राइस है, तो एकदम नॉर्मल प्राइस में सब कुछ यहाँ मिल रहा है, अच्छी बात है। वो बोटिंग चल रही है दोस्तों और ये बच्चों के लिए चल रहा है, देखिए आपको दिख रहा होगा, बड़े बच्चे सब लोग इस पे एंजॉय कर रहे हैं। चलते हैं अभी आगे इस साइड,
देखते हैं यहाँ पे क्या क्या और है। देखिए दोस्तों ये झील है पूरी, और ये झील में बोट चल रही है, और ये बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं और खेल रहे हैं, और ये सामने आपको झील नज़र आ रही होगी, और झील में वो सामने आपको बोट दिख रही है। ये देखिए दोस्तों जूम करके आपको दिखा देता हूँ, सामने आ रही है बोट। तो ये आ गई बोट, चलते हैं अभी और आगे दोस्तों, देखते हैं वो गेस्ट हाउस मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गेस्ट हाउस, अगर आप कपल में आ रहे हैं और रात को अगर आपको यहाँ रुकना है तो यहाँ गेस्ट हाउस की भी मतलब अवेलेबिलिटी है, तो आप रुक सकते हो आराम से। और इधर आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है और अभी इधर। तो दोस्तों यहाँ पे चीकू के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और चारों पर चीकू आ रखे हैं, देखिए ये नीचे गिरे हुए बहुत सारे चीकू हैं, और देखिए ये ऊपर चीकू आप देख पा रहे होगे, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों बहुत सारे चीकू हैं और हर जगह चीकू के ही पेड़ लगाए हुए हैं, और हर पेड़ पर चीकू ही चीकू हैं। देखिए दोस्तों कोई भी पेड़ आप अगर देख रहे हो तो उस पर चीकू है ही। देखिए ये पेड़ देख लीजिए, वो सामने देख लीजिए, जितने भी पेड़ हैं यहाँ पे चारों पर चीकू लगे ही हुए हैं, और काफ़ी मात्रा में मतलब दोस्तों चीकू, देखिए आपको दिख रहे होंगे। तो चलते हैं अभी और आगे और देखते हैं क्या क्या है अभी और आगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों ये एक मतलब झूलता पुल बनाया गया है और नीचे पानी है, लेकिन आई थिंक बंद है, अभी लॉक किया गया है तो जा नहीं पाएंगे अपने। तो चलते हैं आगे और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या है यहाँ पे घूमने जैसा। गार्डन काफ़ी अच्छा है और सारी राइड्स भी, बहुत सारी राइड्स हैं यहाँ पे दोस्तों, तो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो पूरा, चाहे फैमिली के साथ आओ या फिर न्यूली मैरिड कपल हैं अगर तो वो भी आ सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी जगह है। और ये आपको पड़ेगा महसाना से आप उंझा की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ से विश्वनगर वाला रोड लेना है दोस्तों, तो उसी रोड पे आपको आगे मिलेगा विश्वनगर से पहले पे। दोस्तों ये आपको दिखेगा, यहाँ आप इस पर ऊपर चढ़िए और उस साइड उतर जाइए, और ये आपको गार्डन दिखेगा, आप घूम सकते हो। और सामने आपको दिखा चुका हूँ बोटिंग है, और यहाँ रोप वे, और काफ़ी कुछ है यहाँ पे घूमने लायक, पूरा गार्डन बहुत बड़ा है, तो आप आ सकते हैं और घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 3D थिएटर है, ऊपर आपको दिख रहा होगा, देखिए ये 3D थिएटर है, और ये ऊपर मूवी आपको 3D में मूवी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे, और ये सारे बच्चे उसी में जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ नीचे खाने पीने की इंतजाम है। तो चलते हैं अभी इस साइड, देखते हैं और क्या है इधर। दोस्तों देखिए यहाँ पे गार्डन टाइप का है पूरा, और लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, देखिए आपको दिख रहा होगा बच्चे यहाँ पे खेल कूद रहे हैं, यहाँ पे कुछ डांसिंग कार का है। तो चलते हैं उस साइड अभी और देखते हैं क्या है वहाँ पे, और यहाँ पे भी कोई एक बड़ी राइड है तो वो भी चेकआउट करते हैं। और देखिए ये आपको झूले दिख रहे होंगे, और यहाँ पे भी राइड्स हैं बड़ी बड़ी, तो वो भी एक बार चेकआउट करते हैं क्या राइड है। आई थिंक ये कुछ
रोलर कोस्टर टाइप है। हाँ दोस्तों, ये रोलर कोस्टर है, देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए मतलब यहाँ से जाना है और ऐसे होके फिर ऐसे होके पानी में से वापस लाएगा। चलते हैं देखते हैं कैसे है। तो ये रोलर कोस्टर ही है जो यहाँ से मतलब आप बैठ के जाएंगे और वैसे घुमा के ये लाएगा, लेकिन आई थिंक कुछ काम चल रहा है तो उसकी वजह से ये फ़िलहाल बंद है। देखिए काफ़ी अच्छी राइड है लेकिन फ़िलहाल ये बंद है कुछ वजह से। चलते हैं अभी आगे और देखते हैं किस साइड क्या है। वो ये गेट है, यहाँ से एंटर होते हैं अंदर और देखते हैं क्या है यहाँ पे। कुछ डांसिंग कार करके कुछ था लेकिन क्या है एक्चुअल में वो चेकआउट करते हैं। तो क्या है क्या ये, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, देखिए ये यहाँ पे डांसिंग कार करके जो है आपको दिख रहा होगा, देखिए पे। तो दोस्तों ये है विसनगर का तिरुपति नेचुरल पार्क और मैंने पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो आई होप कि वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।